सुहाई किसी को मैं सुनाश में बताऊंगा फेसबुक के बारे में। और आज हम ये बात करने वाले हैं किस प्रकार से जो कि आप फेसबुक से ट्रैफिक ला के जो कि यहाँ पे ऑनलाइन इनकम करेंगे, और कैसे अगर हम बात करें एक ब्लॉग पे कैसे जो कि आप ट्रैफिक ला के महीने के लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। फेसबुक का आपने नाम सुना होगा, और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ फेसबुक एड्स के थ्रू जो है कि बहुत सारे लोग, अभी रिसेंटली मैं आपको बात करूँ तो बहुत सारे लोग जो कि फेसबुक एड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ से ट्रैफिक ला रहे हैं अपने ब्लॉग या वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बहुत सारे लोगों को ऐसा भी डाउट होगा कि फेसबुक से क्या पेड ट्रैफिक लाने पे यहाँ पे हमारा एडसेंस सेफ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, और अगर मैं उससे इनकम करता हूँ तो क्या रियल में इनकम होती है या फिर नहीं होती है। ये भी चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे कि कैसे आप फेसबुक का इस्तेमाल करके जो है कि पेड ट्रैफिक लाते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ में हो सकती है, क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है, और अगर हम बात करें तो रियल में अगर हम बात करें सच में इससे इनकम होती भी है या फिर नहीं होती। ये सारी चीज़ें जानेंगे, ये सारी डिटेल्स जानेंगे, बन रही वीडियो के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप जो कि फेसबुक से ट्रैफिक ला के महीने के 1 लाख रुपये तक कमाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दूँ फेसबुक एड्स मैनेजर को सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है, और या फिर अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले एक पेज क्रिएट करना पड़ता है। देखिए, दो तरीके हैं फेसबुक पर ऐड लगाने का। सबसे पहला तरीका है कि आप जो है कि अपने प्रोफाइल से ही एड्स को वहाँ पे रन कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है फेसबुक पेज बनाएंगे, और फेसबुक पेज बनाने के बाद जो है कि वहाँ पे आप जिसको बूस्ट करना चाहते हैं उस पोस्ट को वहाँ पे ऐड करेंगे। इसी के साथ साथ एक और अगर हम बात करें यहाँ पे एडिशनल है, अगर आप चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक एड्स के माध्यम से आप डायरेक्टली भी एड्स लगा सकते हैं, मतलब आपके पास वीडियो रेडी है तो उस वीडियो को आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। तो देखिए, ज़्यादातर लोग कर क्या रहे हैं, जैसे ब्लॉगर हैं या फिर यूट्यूबर हैं, वो कर क्या रहे हैं। देखिए, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, गूगल एड्स का आपने नाम सुना होगा, उससे प्रमोट नहीं करा रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रहा है और वहाँ पर रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। जो हमें रिजल्ट चाहिए, एग्जैक्ट रिजल्ट, वो हमें रिजल्ट वो गूगल एड्स नहीं दे पा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग जो कि फेसबुक एड्स को यहाँ पे अगर हम बात करें रिकमेंड कर रहे हैं और फेसबुक एड्स लगा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे अगर हम बात करें ब्लॉगर्स हैं इसके माध्यम से इनकम कर भी रहे हैं। देखिए, तरीका क्या यूज़ कर रहे हैं वो मैं आपको साथ में थोड़ा शेयर कर देता हूँ, और आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि आप फेसबुक एड्स से आप कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको जो ज़्यादातर ब्लॉगर कर क्या रहे हैं, अपनी ब्लॉग या वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के, सबसे पहले अपना ब्लॉग बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, और वहाँ पे एडसेंस अप्रूव्ड करा रहे हैं। अगर आपका एडसेंस अप्रूव नहीं है, सबसे पहले एडसेंस अप्रूव कराइए, और उसके बाद जो है कि यहाँ पे ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक के बारे में सोचिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दूँ, अगर आपका एडसेंस अप्रूव्ड है, बहुत सारे लोग हैं जिनके एडसेंस अप्रूव्ड है और वो सोच रहे हैं पेड ट्रैफिक लाने की, तो पेड ट्रैफिक कैसे लाएंगे और क्या तरीका है, यहाँ पर मैं आपको दूँ। अगर सपोज करिए कि आपने वहाँ पे फेसबुक पे एड्स लगा दिया, आपका एड्स रन हो रहा है, और आपका एक सिंपल सा ब्लॉग है, मतलब कंटेंट आप देते हैं, मतलब अच्छे अच्छे कंटेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन वाली आप जो है कि वहाँ पे कंटेंट दे रहे हैं, तो जो भी आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें जो भी ऑडियंस आएंगी, तो वो क्या होगा कि वहाँ पर एड्स लिमिट तो आपको लगने के चांसेस मतलब बढ़ जाएंगे कि ऐसा होगा कि एड्स लिमिट लग सकता है, क्योंकि ये जो अगर हम बात करें ट्रैफिक आ रहा है ये फेसबुक से आ रहा है, लेकिन इंस्टेंटली आपको एड्स लिमिट नहीं लगता है, धीरे धीरे मतलब आइडिया लगता है। देखिए, चलाने का भी तरीका है, मैं आपको एंड में, वीडियो के एंड में स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कौन से स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे जिससे आपका एड लिमिट नहीं लगेगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये तरीका यूज़ कर रहे हैं जिसके माध्यम से उनको एड्स लिमिट नहीं लग रहा है और वो पेड ट्रैफिक के साथ में जा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट है तो कुछ स्ट्रेटजी उसको फॉलो करना पड़ेगा, आप वीडियो के एंड में बने रहिए, मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपके टूल्स की वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए टूल्स की वेबसाइट है और उसके ऊपर आप ट्रैफिक लाते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ एड्स लिमिट बिल्कुल ही नहीं लगेगा। टूल्स की वेबसाइट पे अगर आप ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं, ट्रैफिक ला रहे हैं, तो एड्स लिमिट लगने के चांसेस बहुत कम है। अब देखिए, इनमें डिफरेंस समझिए, अगर आप टूल्स की वेबसाइट है तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई व्यूवर्स, अगर वहाँ से कोई आता है फेसबुक से, वहाँ से आता है, आपने पैसे दिए फेसबुक को, और फेसबुक से कोई वहाँ पर आता है आपकी वेबसाइट पर, तो वो दोबारा रिटर्न जरूर आएगा, क्योंकि उसकी नीड है, वो उसके लिए आया है, वो टूल्स के लिए आया है कि मतलब कुछ उसका काम हो जाएगा, कुछ एक्टिविटी कर लेगा वो, तो वो टूल्स के लिए आया है। लेकिन अगर आपने कोई यहाँ पे सेलिब्रिटी का जो कि आर्टिकल लिखा है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है टेक्नोलॉजी के बारे में, और वहाँ पे यूज़र आता है आपकी वेबसाइट पे, तो आपको इनकम तो होगी लेकिन वन टाइम के लिए होगी, दोबारा आप इनकम नहीं कर पाते, दोबारा आपको इनकम नहीं होने वाली है, इस चीज़ को आपको समझना है। और दोबारा वो यूज़र जो अब फेसबुक से आया हुआ है वो दोबारा नहीं आता है, और साथ ही साथ एड्स लिमिट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एड टूल्स वाली वेबसाइट होती है वहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसका अपोजिट होता है। उस वहाँ पर क्या होता है कि सपोज करिए जिसकी नीड है वही वहाँ पे जाएगा,
और जब वहाँ पे वो जाएगा तो उसको एक बार में ही आपकी वेबसाइट की टूल्स की वेबसाइट का नाम उसको याद हो जाएगा। अब उसको याद हो जाएगा, फिर दोबारा वही यूज़र उसको फिर ज़रूरत पड़ेगी। फ्री में सर्विस तो आप दे रहे हैं, बस आपका एडसेंस अप्रूव्ड है वहाँ पे टूल्स पे, तो वहाँ पे फिर से सेम यूज़र फिर से वहाँ पे आएगा। तो इससे आपकी रेवेन्यू बढ़ती है और आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ती है और हमेशा एक रेगुलरिटी बनी रहती है। तो अगर आपके टूल्स की वेबसाइट है या फिर टूल्स की वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, इस तरह की वेबसाइट पर अगर आप काम करते हैं और एडसेंस अप्रूवल लेके काम करते हैं, तो फिर अगर हम बात करें पेड ट्रैफिक अगर आप डाइवर्ट करते हैं वहाँ पे, अगर हम बात करें फेसबुक से, फेसबुक एड्स की मदद से, तो बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत ही अच्छा इनकम कर पाते हैं। और वैसे ही अगर हम बात करें तो इसके अपोजिट में जो इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइटें होती हैं, जो ब्लॉग होते हैं, उनके ऊपर आप ट्रैफिक डाइवर्ट करते हो तो वन टाइम आप जितना कमाएंगे, जैसे $100, $500, $1,000, जितना आप कमा लें, वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम के लिए होगा, दोबारा नहीं होगा। और दोबारा आपको फिर से एड्स लगाने पड़ेंगे। मतलब अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो एड्स लगाइए, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप एड्स मत लगाइए, ये वाला सीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टूल्स की वेबसाइट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो घुमा फिरा अगर हम बात करें तो इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइटों में चांसेस बहुत हो जाते हैं कि आपका जितना आपने पैसा लगाया है वही पैसा एडसेंस के माध्यम से निकले, और मे बी अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा भी निकल सकता है, चांसेस होता है कि एक्स्ट्रा भी निकल सकता है। जब एक्स्ट्रा निकलेगा आप दोबारा वहाँ पे एड्स लगाएंगे। लेकिन टूल्स वाली में 100% यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखता है। अगर प्रॉफिट अगर कमाना चाहते हैं टूल्स की वेबसाइट में 100% प्रॉफिट होता है, क्योंकि फिर से रिटर्न आते हैं यूज़र और यूज़र एक्टिव हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ गए। अब हम बात करते हैं कि ये तरीका कौन कौन फॉलो करता है। जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं अपने वीडियो को प्रमोट कराने के लिए, या फिर अगर हम बात करें अपने जो कि आर्टिकल, या फिर अगर हम बात करें टूल्स की वेबसाइट को प्रमोट कराने के लिए, ये तरीका फॉलो किया जा रहा है। और बहुत सारे लोग जो है कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए ये तरीका फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप भी जो कि ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, अगर आप भी अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और इसके माध्यम से इनकम करते हैं, तो ये तरीका अगर हम बात करिए फेसबुक एड्स आपके काम में आ सकता है। बात कर लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन वेबसाइट वाले उनके एड्स लिमिट से बचने का क्या तरीका है, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि एड्स लिमिट बचेंगे। उनको क्या करना होगा कि जब भी ट्रैफिक भेज रहे हैं तो एक दिन का गैप करेंगे, मतलब थोड़ा आप भेजेंगे ट्रैफिक, फिर उसके बाद स्टॉप हो जाएंगे। मतलब 2 घंटे ट्रैफिक भेजे, 2 घंटे स्टॉप हो जाए, 2 घंटे ट्रैफिक भेजे, 2 घंटे स्टॉप हो जाए। इससे अगर हम बात करें तो गूगल एडसेंस को उतना ज़्यादा अगर हम बात करें एक्शन लेने का समय नहीं मिलेगा, और आसानी से एड्स लिमिट से आपकी इन्फॉर्मेशन वाली साइट जो है कि बची रहेगी, सेफ रहेगी। तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं और फेसबुक एड्स के माध्यम से जो पेड ट्रैफिक ला सकते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो कि टूल्स की वेबसाइटें हैं उस पे 100% प्रॉफिट दिखता है, मतलब प्रॉफिट मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप जो कि सेम यहीं पे काम करते हैं इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट पे, ब्लॉग पे, टेक पे, तो इन पे मैं आपको बता रहा हूँ जो आर्टिकल लिखी होती हैं वेबसाइट, उनके ऊपर उतना रिजल्ट नहीं मिलता है। सो आई होप जो कि आप समझ चुके होंगे मैं क्या कुछ समझाने की कोशिश किया इस वीडियो में। हम मिलेंगे नेक्स्ट में, बात करेंगे और टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।